गाइस तो हम लोग आग लग चुका है। उज्जवल भाई को पैर बहुत पसंद है, दो ठो पैर वही दे दे। आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी वाला है और काफी अच्छा लग रहा है। आज हम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं रेमदा डैम की ओर, जो कि रांची से 30 किलोमीटर दूर पे है। एकदम काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ, और ये रास्ता देख के एकदम काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो रेमदा डैम है वहाँ पर इसे मतलब कि डैम का नज़ारा और अगल बगल जंगलों से घिरा हुआ सिर्फ रेमदा डैम में आपको मिल सकता है। एकदम काफ़ी सामने में और बेस्ट लोकेशन है। पहुंच चुके हैं, सबसे खास चीज़ तो हम लोग को ये तिरपाल बांधना है, और अपना अभिषेक भाई पूरा ऊपर चढ़ा है बंदर की तरह। तो देखिए काफ़ी मेहनत कर रहा है भाई, और अभी अखिलेश भाई से विदाई भी कर रहा है। सचिन भाई तो लिए हम आ गए हैं, क्या मजा। उधर है पीछे राहुल भाई, अपना गोलू बेटा मस्ती नहीं। हाँ, बाकी उधर हर्ष भाई, बाकी इधर डैम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, दिस इज यूजुअल एंड योर वाचिंग द कंटेनमेंट। तो यार आज फिर से हम लोग आ चुके हैं रेमता, और देखिए रेमता का मजा ही कुछ और है यार। यहाँ पर इसे जो व्यू आता है वो काफी खूबसूरत है यार, वो तो है ही है। और वाकई तो भी हम लोग फिलहाल ये आज हम लोग करने का जा रहे हैं कि बारबेक्यू वाला बनाने जा रहे हैं, मतलब कि चिकन रोस्ट करेंगे हम लोग। तो ये यार ये मेन ये चीज़ है, उधर कोयला है, और ये आज चाय बनाएंगे आज, क्या कि लास्ट टाइम हम लोग चाय बनाए नहीं थे। बाकी तो और तिरपाल सब लगा चुके हैं, बाकी भाई लोग अभी मेहनत करेगा, अभी मतलब जल्दी जल्दी आग लगाएगा अभी। तो चलिए बिना देर के हुए इस काम को शुरू करते हैं। और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे अभी ब्लॉग, में काफी मजा आने वाला है। अरे का इसे राहुल क्या करेंगे इसे अलग? मछली फसाएंगे भैया। गोलू बेटा मस्ती नहीं, गोलू भाई मस्ती नहीं। ये लकड़ी का है ना, कारपेंटर दुकान में गए तो छील रहा था, ऊला को लेके आ गए हैं क्योंकि आग लगाने के लिए। काफी अच्छा है, और उधर भी रखे हैं कोयला, अभी निकाल रहे हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी आग लगाते हैं। बारला भाई भी एक्सपर्ट है आग लगाने में, वो भाई का तो पहले से जिंदगी में आग लगले है, कितना ही आग लगाएगा इसका तो बात है। लास्ट टाइम तुम आग नहीं लगा सके ना भाई, जिंदगी में इतना ज्यादा आग लगा हुआ है ना, सारा आग वहीं खत्म हो। अरे यार आग लगी जिंदगी में, कुछ दिख नहीं रहा। बस ऊपर कर दो, कुड़कुंबा कर रहेगा। हाँ जल रहा है, तो देखिए धुआं धुआं होने शुरू हो चुका है। गाइस तो हम लोग आग लग चुका है, मेरा रिकॉर्ड करो साला, फाइनली दिस टाइम सक्सेस टेक्स टाइम। सो यार तो देखिए अपना खोपा भाई डाल रहा है सीख वाला, मतलब मीट डाल रहा है इसमें, और उधर आधा हो चुका है, मतलब वहाँ लोग टीना था बोला तो हुआ नहीं, तो अभी टंगरी लगाए हैं इधर। ये मेरा मेरे लिए स्पेशल है वाला टंगरी वाला, और लोग अच्छा से मतलब कि आग भी लग चुका है, कोयला अच्छा जल चुका है। बारला भाई अच्छा से लगाना रे, रात उज्जवल भाई को पैर बहुत पसंद है, दो ठो पैर वही दो। ये अपना स्पेशल वाला है टंगरी वाला, दो पैर वाला पहला के भी लग। तो और बाकी तो इधर दिखाते हैं आपको, तो इधर बाकी आधा हो चुका है। नीतीश भाई हम लोग को हेल्प करने के लिए आए हैं। देखो गाइस सेमेस्टर 2 से आया है फेयरवेल देने हम लोग को। फेयरवेल देगा यही लड़का। बाकी यार यहाँ पर इसे सीख सकते सकते यार, मतलब कबाब सीखते सीखते इधर का नज़ारा देख रहे, काफी मजा आ रहा है। जब इतनी दूर आए हैं तो मस्ती करना तो बनता है यार। तो चलिए हमने सोचा कि चलो मतलब टाइमलेस बना लिया जाए, और यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं यार, पीछे तरफ रेमदा डैम और अगल बगल पूरा मतलब जंगल से घिरा हुआ है, काफी खूबसूरत लग रहा है। नीचे में यहाँ सीख कबाब सेक रहे हैं, और आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं कि अभिषेक हम और हर्ष तीनों मतलब मीट खाने में बिजी है, जो सीख वाला है। फिर उसके बाद अभी बारला भाई भी खाने के लिए आता है, तो उसका क्या होता है कि बार बार वो जो मीट खाने वाला है वो गिर जाता है, तो थोड़ा कॉमेडी लग रहा है। और बाकी बहुत सारा मस्ती किया यार, पेप्सी चिप किए, और आप लोग सोच रहे कि अमित भाई कब आया। अमित और बिहारी भाई लास्ट में आए, मतलब बाद में आते हैं अपने बाइक से। अब लास्ट में थोड़ा सा मतलब कि रील वीडियो बनाने के लिए हर्ष को बोलते हैं कि फिर से थोड़ा सा बटर लगाओ ताकि थोड़ा आग जलेगा। सो गाइस कि ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।